हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जियो कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी जॉब वैकेंसी निकल कर आई है। अब आप सभी का जियो कंपनी में जॉब लगने वाला है। फ्रेंड्स, नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो लगभग 8000 वैकेंसी जियो कंपनी में निकाली गई है। आप कन्याकुमारी से हैं या फिर कश्मीर से, आप पूरे भारत से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया में इसकी जॉब वैकेंसी निकाली गई है। आप फ्रेशर हैं, आपने कभी कहीं पर काम नहीं किया है, तो इस जियो कंपनी में आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 15000 रुपये होने वाली है। साथ में आप लोगों को इंश्योरेंस की फैसिलिटी, पीएफ की फैसिलिटी, फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी कंपनी के तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। फ्रेंड्स, आपने अगर 10वीं पास कर रखा है तो इस जॉब के लिए आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। आप अगर हाउसवाइफ है या कहीं पर जॉब करते हैं तो इस कंपनी में एज अ पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस जॉब के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, और जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो पर बने रहे फ्रेंड्स, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली जॉब से रिलेटेड वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। जियो कैरियर्स का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। फ्रेंड्स, इसी वेबसाइट में फ्रीलैंसिंग की हज़ारों जॉब्स आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएंगी। मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा, और इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग क्लिक करके चेकआउट कर लेना। यहाँ जॉब्स का जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज सारा जॉब्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे फ्रीलैंसिंग हो गया, बिजनेस से रिलेटेड हो गया, सेल्स से रिलेटेड, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारे जॉब्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग यहीं से आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आज मैं फ्रीलैंसर जॉब के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं, और नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा है। 7684 वैकेंसीज है, जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो आप लोगों को फ्रीलैंसिंग जॉब में अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स, आप लोगों को फ्रीलैंसर में आप लोगों को क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक फ्रीलैंसर जियो कस्टमर एसोसिएट का जॉब है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को जियो कस्टमर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन करना होगा। फ्रेंड्स, जियो के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आप लोगों को कस्टमर को बताना होगा। फ्रेंड्स, और जियो के जितने भी रिचार्जेस प्लान हैं उनके बारे में आप लोगों को बताना होगा। जियो के रिचार्ज अगर ख़त्म हो जाते हैं तो कस्टमर को आप लोगों को कॉल करके बताना होता है। फ्रेंड्स, तो यही सब सारा काम होता है जियो के कस्टमर एसोसिएट में। और आप लोगों का 1 वीक का ट्रेनिंग भी होता है फ्रेंड्स, जो फ्री ट्रेनिंग होता है, और आप लोगों को इसके पैसे भी मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को बस काम करना है, ठीक है ना। घर बैठे आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में इसकी जॉब वैकेंसी निकल कर आई है। फ्रेंड्स, आप लोग इंडिया के जिस भी कोने में हो, जिस भी सिटी में हो, आप लोगों को आपके एरिया का जॉब यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तो आप लोगों को जैसे, ये मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसे आप लोग यहाँ बिहार से आप लोग बिलोंग करते हो अगर, तो आप लोग जियो कस्टमर एसोसिएट बिहार में आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का यहाँ पर जॉब डिटेल्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन, बिजनेस एरिया, जो आप लोगों का जो जॉब है वो फ्रीलैंसर जॉब रहने वाला है। जॉब लोकेशन आप लोगों का बिहार रहने वाला है, ठीक है ना। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को न्यू कस्टमर को एक्वायर करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को कस्टमर को कॉल करके जियो के रिचार्ज का एक्सप्लेन करना होता है फ्रेंड्स, समझाना होता है। यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, तो बस बेसिक चीज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा मोड़ा इंग्लिश आने की ज़रूरत है, हाई फाई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा मोड़ा इंग्लिश सीख जाओगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ एजुकेशन रिक्वायरमेंट में देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने 10th कर रखा है या 10th+2 कर रखा है तो आप लोग यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट में देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रेशर, मतलब कि यहाँ एक्सपीरियंस लड़के नहीं चाहिए, फ्रेशर चाहिए एकदम, ठीक है ना फ्रेंड। तो आप फ्रेशर है, आप कहीं भी कभी कभी काम नहीं किए हैं, तो आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जियो जैसी बड़ी कंपनी में, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करोगे तो स्किल्स रिक्वायरमेंट देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए रीडिंग एंड राइटिंग में। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को एक स्मार्टफोन यूज़ करना आना चाहिए, जो अभी सबको जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को लोकल लैंग्वेज जो होता है वो आप लोगों को बोलना आना चाहिए, तो लोकल लैंग्वेज तो सभी कोई बोलते हैं, ठीक है ना। कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स आने चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये सारा बेसिक स्किल्स है, ये सभी के पास होता है फ्रेंड्स। और उसके बाद कंपनी आप लोगों को 1 वीक की, 2 वीक की ट्रेनिंग भी देती है, तो आप लोगों को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप लोगों को सिंपली अप्लाई करना होता है।
तो यहाँ पर मैंने सारा डिटेल बता दिया फ्रेंड्स, मैं वेबसाइट में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना और डिटेल्स को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग अप्लाई करना। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अप्लाई नाउ का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोगों को सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो न्यू यूज़र पे क्लिक कर दो, ठीक है। ईमेल आईडी आप लोगों को फिल करना होगा, उसके बाद एक पासवर्ड आप लोगों को बनाना होगा, क्रिएट करना होगा, उसके बाद कन्फर्म का पासवर्ड में यहाँ पर आप लोग इसे फिल कर दें। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपको यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ फिल करना है आपका, उसके बाद अपना कंट्री को चूज़ कर लें फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोगों को कैप्चा यहाँ पर फिल कर लेना है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है, उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जैसे आप लोग इसे सारा डिटेल फिल करते हो, उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इससे पहले जियो कैरियर्स वेबसाइट में कैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं मैंने वीडियो बनाया हुआ है फ्रेंड्स, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैंने बहुत बार यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए मेरा अप्लाई नहीं हो रहा अभी, तो मैं अप्लाई करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने अप्लाई किया हुआ था, वो उसका वीडियो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।